हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों बाद जाके टाइम मिला है। सारस पक्षी की वजह से इतना परेशान है कि हम क्या बताएं, बहुत याद आती है उसकी। और वो पहले मेरे घर से समसपुर पक्षी विहार लेकर गया जाया गया। वो पूरी कहानी आज आप लोगों को बताते हैं। पहले मेरे घर से समसपुर पक्षी विहार लेके जाया गया। वो जो मेरे घर से लगभग दूर होगा 50 किलोमीटर, वहाँ पे उसको रखा जाता है। और रखने के बाद एक दिन बाद जब उसके खुले में छोड़ा जाता है दूसरे दिन, तो वो मुझको खोजते हुए निकल पड़ती है वहाँ से। समसपुर से काफ़ी दूर निकलकर एक गांव में जब कुछ लोग दिखाई देते हैं तो वहाँ नीचे आती है। तब तक उसको जंगली कुत्ते घेर लेते हैं। फिर एक लड़का उसकी जान बचाता है और वो जान बचाने के बाद वो अपनी जान पे खेल के लड़का फिर उसको अपने घर लेकर जाता है। फिर वो काटने भी दौड़ती है उसको, लड़के को। हमने वीडियो में देखा है, उस लड़के का तहे दिल से शुक्रिया कि उसने उसकी जान बचाई, वरना कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। और उसके बाद फिर वहाँ से इसको फिर दोबारा समसपुर के वन विभाग के लोग आते हैं और लेकर जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं ले जाके और एक किचन में। उसके बाद फिर किचन में बंद करने के बाद लगभग 72 घंटे वो किचन में बंद रहती है। और बंद रहने के बाद फिर वहाँ से अपनी जो प्रक्रिया होती है, कोई प्रक्रिया करते हैं अपन खिलाने पिलाने की, वो खाना नहीं खाती, बहुत तड़पती रहती है। फिर बीच में एक दिन लखनऊ से चिड़ियाघर वाली गाड़ी आती है लखनऊ की, और उसको ले जाकर, लोगों को लगता है कि लखनऊ चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, पर उसको ले जाकर कानपुर वाले चिड़ियाघर में वो रख देते हैं। वहाँ उसको फिर क्वारंटीन किया जाता है लगभग 15 दिन के लिए। और अभी 15 दिन नहीं होने, अभी 4 दिन हुए हैं उसको, सिर्फ 4 या 5 दिन हुए हैं। और 4-5 दिन में काफ़ी वो दुबला हो चुका है। कल हम गए थे मिलने उससे कानपुर, और तो वहाँ हमने देखा कि उसको एक छोटे से पिंजरे में कैद किया गया हुआ है, एकदम छोटा सा है। और कुछ खाने के लिए आइटम उसके रखा हुआ था, तो हम लोगों को मिलने तो नहीं दिया गया उससे, पर सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भैया साथ थे, उन्हीं के साथ हम गए थे यहाँ से लखनऊ से। और चिड़ियाघर भी घूमा, पर वो चिड़ियाघर जो होता है हमारे हिसाब से वो इसके लिए सही नहीं है, सारस के लिए, हमारे दोस्त के लिए, क्योंकि वहाँ इसको तालाबी क्षेत्र पसंद है जहाँ पानी हो। और चिड़ियाघर में छोटे से उसमें बंद है। हम उम्मीद करते हैं वन विभाग से, प्रशासन से, कि 15 दिन क्वारंटीन करने के बाद उसको फिर से आज़ाद कर दिया जाए। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर से उसको आज़ाद कर दिया जाए, जहाँ दिल करे वहाँ उसको आज़ाद कर दिया जाए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे घर के पास में जो खेत हैं, जंगल टाइप का है, वहीं ले जाकर फिर उसको आज़ाद कर दिया जाए। हमको नहीं चाहिए, मैं पाले नहीं था उसको, वो मेरा दोस्त है, तो उसको जो है वहीं पे ले जाके छोड़ दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। फिर उसका जहाँ दिल करेगा वहाँ आएगी जाएगी। और कैसे कैसे, थोड़ा तबीयत भी ख़राब लग रही है क्योंकि सिर बहुत तेज से दर्द कर रहा है। हो गया है हम 21 तारीख से कभी ठीक से सोए नहीं हैं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा बस। बाकी मेरी आँखें देख लो आप लोग, पता लग रहा होगा काफ़ी परेशान है। सबसे ज़्यादा चिंता यही रहती है कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया होगा, क्योंकि हमेशा से मेरे साथ ही वो खाता था। दिन में एक आध दो बार तो साथ खाता था, बाकी उसका खाने का आइटम रखा रहता था, वो खा लेता था। चिड़ियाघर में गए तो वहाँ पता चला कि ये खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो खाना पका हुआ खाता है, वहाँ उसको कच्चा खाना दे रहे थे, खाना उबला हुआ, जैसे सब्जी रोटी दाल चावल यही सब खाता है। फिर शायद उन लोगों ने उसको उबले हुए आलू
देना चालू किया। तो फिर वो खाना खाने लगा, अब मेरे सामने सीसीटीवी में दिख रहा था, थोड़ा सा खाया था उसने, परेशान था, ये तो साफ साफ देखा जा सकता था, वो परेशान था। और बहुत दिन हो गए हैं जब से वो घर से निकला है, ले जाया गया है 21 तारीख से। आप लोगों को बता दूं, तब से हम भी घर नहीं गए हैं अपने, बाहरे बाहर हैं। और जो है सोचते हैं घर जाएंगे तो उसकी और याद आएगी, दो ही दरवाजे पर, फिर क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आता। फिलहाल देखते हैं, बाकी सब लोग वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सारस बच्ची मिलना चाहिए कि नहीं। और मेरे दोस्त के लिए दुआ करिएगा सब लोग, कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, ठीक रहे। बाकी जैसी अपडेट हो रही आप लोगों को देंगे। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।